आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4 फरवरी की शुरुआत की। कभी कभी लगता है ना कि ये संबंध जो हमारे हैं, ये जो हमारी सिचुएशंस हैं, इन सब को लेकर के मैं क्या निर्णय लूं, क्या मेरे लिए सच्चा निर्णय रहेगा जिससे मैं भी आगे बढ़ूं और मेरे संबंधी भी आगे बढ़े, मेरे रिश्तेदार भी आगे बढ़े, मेरे दोस्त भी आगे बढ़े और सबका भला हो। तो ये जो पावर होती है, जो शक्ति होती है जिसमें हमें निर्णय बनाना होता है, ये शक्ति तब आती है जब हमारे अंदर बहुत पवित्रता होती है। हमारे अंदर दो चॉइसेस हैं, या तो हम देह के अभिमान में रहें, मेरा सब कुछ हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे सब कुछ मिल जाए, या मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, जिसको कहते हैं ईर्ष्या, या कॉम्पिटिशन में मैं उसको पीछे कर दूं, इसको कहते हैं आपका कॉम्पिटिशन कंपेरिजन। तो जब हम लोभवश होकर के, अहंकार वश होकर के, ईर्ष्या वश होकर, घृणा वश होकर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, या हम बहुत ही जबरदस्ती करके, पुश करके, धक्के मार के किसी चीज को फटाफट करने की कोशिश करते हैं, एज कंपेयर टू हम शांतिपूर्वक, हम अपने छठी इंद्रिय से, हम आत्मा की दृष्टि से चीजों को देख रहे होते हुए, और हर चीज बिल्कुल समय पर चल रही है, हर चीज बिल्कुल बिना जबरदस्ती के हुए चल रही है, हर चीज में हार्मनी है, हर चीज में हर व्यक्ति को संतुष्ट करते हुए हम आगे जब बढ़ रहे हैं, तो एक हम ऊर्जा क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो ऊर्जा होती है हर चीज को सफल करने वाली। लेकिन ये ऊर्जा मिलती कहाँ से, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एंड परमपिता परमात्मा हमें इसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो देखें उनके ही शब्दों में हम, और सागर की गहराई में हम चले। परमात्मा कहते हैं, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ, मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूं, मेरा मन मेरी बुद्धि उनसे कनेक्टेड है, बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले, क्या व्यर्थ बातें हैं और क्या समर्थ बातें हैं का निर्णय करने वाले, स्मृति स्वरूप भव, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि इस समय जो मेरे मन में संकल्प चल रहे हैं वो समर्थ संकल्प हैं या व्यर्थ संकल्प हैं, वेस्टफुल है या यूजफुल है, ये सारी चीजों का डिसीजन उसी समय हो जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मन की पवित्रता, और वो तब आती है जब हमारा परमात्मा से सदा प्रेम का योग हो, मतलब कि हम याद में रहें और हर निर्णय में हम परमात्मा को आगे रखें, मैं को आगे नहीं, परमात्मा को आगे रखें। जब मैं आगे आता है, परमात्मा पीछे होता है, तो फिर परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे मैं क्या करूं, तुमने निर्णय ले लिया, अब इसको सामना करो। तो परमात्मा कहते हैं, इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना, किसकी स्मृति में रहना, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा मेरा परमपिता परमात्मा, मैं प्रकाश लाइट बिंदु और परमात्मा भी दिखने वाले प्रकाश लाइट बिंदु रहते हैं परम धाम में। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा स्मृत समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है वह समर्थ है, फिर कर्म में आओ। इसलिए फुल स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से कोई सिचुएशन आई और आपने हबड़ तबड़ में वो डिसीजन ले लिया, आपने कुछ मुख से नहीं बोलना चाहिए था वो बोल दिया, उसके बाद में सोचना थोड़ा लेट हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि, मतलब बिगिनिंग, जो हमने जो डिसीजन लिया, मध्य कि हमने उसके डिसीजन लेने के बाद में सब कुछ स्मूथली चला कि बीच में अड़चने आई। इसमें ज्यादातर अड़चने क्या होती, लोग संतुष्ट नहीं होते हमारे डिसीजन से, हमारे आइडिया से संतुष्ट नहीं होते, हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, कभी कभी क्रोध अहंकार यूज करना पड़ जाता है उस कार्य को आगे बढ़ाने में, उसका मतलब हमारा आदि ही ठीक नहीं था, तुम्हारा मध्य कैसे ठीक होगा, हमने देह के अहंकार में आकर के वो कर्म करवाए हैं, जोर जबरदस्ती करा करके, किसी से ईर्ष्यावश आकर के, किसी से घृणावश आकर के, फियर में आकर के, इनसिक्योरिटी में आकर के हमने वो चीज को आगे करवाया। फिर परमंत कहते हैं उसके बाद में, अंत देखो ये तीनों चीजें कैसे हुई, तीनों काल समर्थ रहा, वेस्ट तो नहीं रहा, यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। हंस क्या करता है, या तो वो, उसके बाद चॉइस होती है, या तो कंकड़ चुगले या तो फिर वो मोती चुगले, मतलब किसी भी सिचुएशन में आपके पास में चॉइस है, आप या तो कंकड़ों को उठाओ या तो फिर आप मोती उठाओ। कंकड़ हो गए कंप्लेन करना, ब्लेम करना, और उसके अंदर बुराइयां देखना, और उसके अंदर कमियां देखना, और दूसरा हो गया मोती हो गया, और उसके अंदर अच्छाइयां देखना, हर एक के अंदर क्वालिटीज देखना, और उसके अनुसार उनको वो कर्तव्य देना और कार्य को सफल कराना, तो वो लीडरशिप की क्वालिटी हो गई, निर्णय शक्ति। अच्छा, फिर परमात्मा कहते हैं, ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है, इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है, प्योर डिवाइन होकर के पता करना।
निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या हो गया, उसने अहंकार में आकर के कर्म नहीं किया, उसने ईर्षा वर्ष कर्म नहीं किया, उसने घृणा वर्ष कर्म नहीं किया, उसका मतलब वो आत्मा जो है वो उत्तम पुरुष है, उत्तम आत्मा है, और उसने मर्यादाओं को क्रॉस ना करके वो कर्म करवा लिया। और हम मर्यादा कब क्रॉस करते हैं, जब हम गुस्से में, हम बुलडोज करते हैं, हम जबरदस्ती करवाते हैं किसी से कोई काम, हम चिल्ला के काम करवाते हैं, हम घृणा में आके काम करवाते हैं, हम दो तीन चार बातें सुना देते हैं उसको, उससे काम करवाते हैं, तो हमारे जो विकर्म बनते हैं, हमारी रातों की नींदें जो बिगड़ती हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ जो बिगड़ती है, वो सब कुछ हो जाता है इस एक शक्ति की कमी से, निर्णय लेने की शक्ति कमी से, कि समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है। ये सब कुछ तो आपको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी उसमें, ताकि आपका दिन सुकून से जाए, आप शांतिपूर्वक जीवन जिए। आप भी आकर सीख सकते हैं। ओम शांति।